बच्चों, मैं दीपा वर्मा अभिभाषा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस के इस ई लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि बच्चों, हम अपने साइंस की तैयारी शुरू कर चुके हैं और आपका पेपर परसों है, 13 तारीख को है ना, तो अब समय बिल्कुल नहीं बचा है और आपने पूरी रिविजन कर ली है। बस आपको क्या क्विक रिविजन की जरूरत है कि आपको चीजें कैसी होती, क्या होती है, इतनी चीजें है ना। फिजिक्स का क्या है, हमने शुरू कर चुका था। फिजिक्स में हमने एक बार पूरा चैप्टर का ओवरव्यू देख लिया, 6 चैप्टर का। उसके बाद 3 मार्क्स से क्वेश्चन देख लिए। अब क्या देखना है, हमें 5 मार्क्स से क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है। तो चलो 5 मार्क्स से क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। उसके बाद मैं बीच में बताऊंगी कि एक्चुअली आपको पेपर में अगर जहाँ पे घबराहट होती है, कुछ ट्रिक्स बताऊंगी कि कैसे आसानी से हो सकता है, ठीक है। चलो पहले तो आ जाओ भैया हमारे ब्लू प्रिंट में। तो यहाँ से देखो, 5 मार्क्स से क्वेश्चन 2 आने हैं, ठीक है। और ये क्या है, एक प्रकाश परावर्तन समतल सतह गोल सतह से, और दूसरा क्या है हमारे विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव, इन दोनों से 5 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, है ना। मतलब 10 नंबर यहां से पक्के, है ना, 10 नंबर की तैयारी। और ये क्या अथवा वाले प्रश्न रहेंगे, मतलब दोनों में चॉइस बेस रहेगा कि कोई से एक बनाओ तो आराम से हो जाएगा, है ना। देखो मैंने पिछले बता चुका है पूरे चैप्टर का ओवरव्यू। अगर आप माइंड मैप बनाना सीख गए ना बच्चों, हर चैप्टर बहुत इजी होगा। क्योंकि आप जब माइंड मैप बनाते हैं ना, बोलते हैं ना मेमोरी का विकास करो। मेमोरी का विकास कैसे होता है, मेमोरी तो हमारे अंदर है, लेकिन क्या हम अपनी याददाश्त नहीं बढ़ा सकते क्या, बढ़ा सकते। कैसे, आप चीजों को विजुलाइज करो, उसको सोचने की कोशिश करो, ये नहीं रटने की कोशिश मत करो, सोचने की कोशिश करो, विजुलाइज करो। अच्छा ये होगा तो इसके बाद, उसके पहले की और बाद की चीजों को समझो। जब वो चीजें इंटरकनेक्ट करके पढ़ोगे ना, चीजें कभी नहीं भूलोगे। आप लोग क्या होता है पेपर में भूल जाते हो ना, ये क्या होता है, क्योंकि आपने क्या बीच बीच से पढ़ा है, नहीं कनेक्शन में पढ़ो। आवेश की प्रवाह, आवेश की प्रवाह, आवेश इधर आया, विभव विभव विभव, विभवांतर हुआ, विभवांतर हुआ तो आवेश प्रवाह, आवेश बाहर मतलब क्या हो गई धारा। ऐसे पढ़ो, चीजों को इंटरकनेक्ट करो। ये करोगे जीवन में कभी कोई चीजें नहीं भूलोगे, है ना। तो वैसी चीजें करो और हमेशा एक रोड मैप बना लो। जैसे क्या है, मैंने जब पहले बताया था शुरू में जब पढ़ा रहे थे, तो भैया कैसे पूरा रोड मैप बनाओ हर दिन के लिए करो। अब तो समय आ गया पेपर का, अब कुछ नई चीजें हो सकती है क्या। आप एकदम डर रहे हो कि भैया एक ही दिन बचा है, कैसे करें कैसे करें, मेरा तो पेपर तैयारी नहीं हुआ। सो गया है, आपको नहीं पता, लेकिन आपकी तैयारी हो चुकी है। पेपर देखते ही आपको लिखना शुरू करना है, लेकिन मार्क्स कैसे अच्छे आने, अच्छे आंसर लिख के, है ना। तो उसके लिए तैयारी आपको बहुत अच्छी करनी होगी, ठीक है। चलो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं बच्चों। अगर पूरे हम ये जो 6 चैप्टर है उसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ से आने वाले, हमारे परावर्तन अपवर्तन समतल सतह गोली सतह और क्या है विद्युत धारा। तो इन 4 चैप्टर से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो जितने संभावत है या जो पिछले वर्षों में आए हुए हैं उन्हीं प्रश्नों को मैं यहाँ पे डील कर रही हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, परावर्तन की घटना को समतल सतह पर निम्न बिंदु द्वारा समझाइए। पहला क्या, परावर्तन के नियम और नामांकित चित्र, ठीक है। तो परावर्तन का नियम क्या था भाई, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या है एक ही तल पे होते हैं और परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। तो आपको इतना ही नहीं लिखना है, पहले क्या बताना है, उसके पहले परावर्तन। परावर्तन क्या है भाई, प्रकाश की किरण जो किसी वस्तु की सतह पर पड़ती है वापस प्रेषित करने का प्रक्रम ही क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। ये हो गया, ठीक। अब क्या बना था आपको, नामांकित चित्र। स्केल से बनाओगे आप लोग, है ना। ये हो गया, अब ले लो भाई। ये क्या बनाते हैं, क्योंकि ये परावर्तक सतह को दिखाता है, ठीक है। फिर ये क्या हो गई भाई हमारी, आपतित किरण। ये क्या हो गई भाई हमारी, परावर्तित किरण। और ये क्या है हमारा, अभिलंब, ठीक है, एंगल आई एंगल आर। तो ये क्या है भैया, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक। ये क्या हुआ, ये
ये आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक। इतना लिख दो, ये क्या है, दो क्वेश्चन एक साथ आएंगे तो ढाई मार्क्स का ये हो जाएगा, ढाई मार्क्स का वो, ठीक। ये हो गया पांच मार्क्स का। चलो अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, आपसे क्या पूछ रहा है, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। सेकेंड, प्रकाश के अपवर्तन को परिभाषित कीजिए, मतलब ये ढाई नंबर का, ये ढाई नंबर का, ठीक। तो साइंस है, साइंस में क्या है, चीजें दिखलानी पड़ती, तो दिखलानी पड़ती मतलब क्या बनाओगे, चित्र बनाओगे, ठीक है। चलो, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, किसी एक वर्णी प्रकाश किरण के लिए किन्हीं दो माध्यमों के आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, इसी नियतांक को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता है क्योंकि यह दो सजातीय राशियों का अनुपात होता है, इसे संकेत म्यू द्वारा दर्शाते हैं, ठीक। या इसकी एक परिभाषा क्या होगी, किसी एक वर्णी प्रकाश के युग्म के लिए प्रकाश के अपवर्तनांक प्रकाश या इसे और क्या कहेंगे, किसी एक वर्णी प्रकाश के लिए क्या होगा, दो युग्मों में प्रकाश के प्रकाश की चाल एक माध्यम से दूसरे माध्यम का अनुपात को ही क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। तो अपवर्तनांक क्या हुआ भाई, एक माध्यम से दूसरे माध्यम, तो क्या बोलेंगे भाई, माध्यम एक में प्रकाश की चाल या वेग अपॉन माध्यम दो में प्रकाश की चाल, ठीक। ऐसा तो इसका एक आपको डेफिनेशन क्या हो जाएगा भाई, अपवर्तनांक को क्या कहते हैं, किसी एक वर्णी प्रकाश के लिए दो युग्मों में प्रकाश के चाल एक माध्यम से और दूसरे माध्यम के अनुपात को ही क्या कहते हैं, हम अपवर्तनांक कहते हैं। और ये क्या है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि सजातीय राशियों का वो होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, आपको ये भी वहां पे प्रदर्शित कर देना है, इससे क्या होगा, आपका ढाई मार्क्स क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। आगे देखो, अगला क्या था, अपवर्तन किसे कहते हैं, तो अपवर्तन क्या है भाई, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अपने पथ से विचलित हो जाती है, इस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। जैसे मैंने पढ़ाते वक्त बताया था ना, आप एक अच्छे रोड से जा रहे हो, अब क्या हो गया, आगे आपकी क्या आ गई, खराब रोड आ गई, तो क्या हो गया, आपकी गाड़ी हिल जाती है। तो उसी प्रकार प्रकाश अच्छी खासे मस्त मूड में जा रही थी, अब क्या आगे कोई रुकावट आएगी तो भाई उसका थोड़ा सा डायरेक्शन विचलित होगा, थोड़ा सा वो हिलेगा, वही क्या है, अपवर्तन, ठीक। तो इसका आपको डायग्राम बनाना होगा बच्चों, ये क्या हो गई भाई, हमारा विरल माध्यम, ये क्या हो गया सघन माध्यम, ठीक। ये क्या हुई आपतित, ये क्या हो गई हमारी अपवर्तित, और ये क्या हो गया हमारा अभिलंब, एंगल आई एंगल आर, ठीक। यहां अगर आपको ये पूछ रहे अपवर्तन के दो नियम, तो पहला नियम क्या है भाई, साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है अपवर्तन, एक क्या होता है स्थिरांक होता है, और दूसरा आपतित किरण पर अपवर्तित किरण और अभिलंब क्या है, तीनों एक ही तल पे होते हैं, ये बताना है, ठीक है। तो ये देखो ढाई मार्क्स का इतना हो गया, ढाई मार्क्स का आपने ये बता दिया, डायग्राम बना दिया, हो गया पांच नंबर, ठीक है। आगे बढ़ू, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसकी दो शर्तें लिखिए, ठीक है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है भाई, क्रांतिक कोण जानते हो, क्रांतिक कोण क्या था भाई, जब प्रकाश किरण सघन से विरल जाती है तो क्या होती है, दूर हटती है, तो एक मान के लिए क्या हो जाता है, ये जो अपवर्तित है वो क्या 90 डिग्री हो जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण, ठीक। तो अब क्या होगा, अपवर्तित किरण जो है वो क्या हो गई, क्रांतिक कोण से ज्यादा हो गई, तो ये इधर हो जाएगी, इसी को क्या कहते हैं हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पढ़ो, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम जा रहा है, सबसे पहला कंडीशन क्या हो गया, सघन से विरल जाना है, प्रवेश करे और उसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, ठीक। तो प्रवेश करे अतः उसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए,
तो प्रकाश उसी माध्यम से आंतरिक रूप से परावर्तित हो जाती है, इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या चीज? जब प्रकाश किरण सघन से विरल जाती है और जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस आ जाती है, इसी हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक, इतना हुआ। उसके बाद आपको उसकी दो शर्तें लिखनी है। तो पहला शर्त क्या है, प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरा, आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण के मान से सदैव अधिक होना चाहिए। ठीक, इतना लिखोगे, उसके बाद क्या है, आप डायग्राम बनाओगे। ठीक, तो डायग्राम कैसे बनाओगे रे भैया, देखो के बाद क्या करोगे, सघन विरल, सघन विरल क्रांतिक कोण पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस तरीके से आपको पूरी वहां पे डायग्राम बनाना होगा और इसको आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, ये भी आपको वहां पे लिखना होगा। ठीक, तब जाके पूरे मार्क्स मिलेंगे। आप लोग बोलते हैं मार्क्स नहीं मिलते हैं, मैंने तो पूरा लिख के आया था। पूरा लिख के आए, पूरा बता के आए क्या भैया, ये ऐसे आएगी, ये ऐसे जाएगी, इसको ये बोलते हैं। फिजिक्स क्या है, डायग्राम, कोई भी पूरा साइंस क्या है, आपका डायग्राम, जो चीज़ें दिखती हैं वही सच होता है। तो आप दिखाओ ना भाई उसको डायग्राम, जब सही से डायग्राम दिखाओगे तभी तो वो नंबर देगा। तो नंबर पूरा नेम करना है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, ये सब चीज़ें बतानी होंगी। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। जब किसी खाली परख नली को पानी से भरे बीकर में तिरछा देखा जाता है तो उसकी सतह चांदी के समान चमकदार दिखाई देती है, क्यों? देखो क्या पढ़ा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, किरण वापस आ रही है, ये भी उसी पे डिपेंड होगा। कैसे भैया, चलो डायग्राम बना लेते हैं। ये ठीक, ये बना लिया मैंने परख नली। ठीक, अब ये पानी से भरा होगा, ये खाली है। ठीक, अब आप इसको यहां से देख रहे हो बच्चों। ठीक, सुंदर आग बना लेना। ठीक, यहां से देख रहे हो तो किरण यहां से इसमें जाएगी, पानी से किस में जाएगी, परख नली में जाएगी। तो याद करो, जब क्या होती है, सघन से विरल जाती है तो क्या होती है, अभिलंब से दूर हटती है। पानी क्या होगा, यहाँ पे सघन होगा और इसके अंदर वायु है, मतलब क्या होगा, वो विरल होगा। ठीक, तो आएगी ये, इसका अभिलंब हो जाएगा, ये क्या होगी, इससे दूर हटेगी। ठीक, दूर हटेगी तो हो सकता है ये क्या होगी, यहां जाकर टकराई, फिर ये यहां से। तो बार बार इसका क्या है, किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की वजह से क्या है, ये परख नली हमको क्या दिखाई देती है, चमकीली दिखाई देती है। ठीक, आपको यही चीजें वहां पे बना के बतानी है। अच्छे से डायग्राम कैसे बनाओगे भाई, कोशिश करना कि स्केल से बनाते जाओ बच्चों। ठीक है, और डायग्राम को प्रैक्टिस करके चलना, ये मैं सोचना वहां जाके तो बना लूंगा, बिना डायग्राम को प्रैक्टिस किए नहीं जाना। ठीक ठीक, चलो प्रकाश किरण यहां पे आई, क्या हो रहा है भाई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, इसकी वजह से क्या होती है, जो हमें परख नली है वो चमकली दिखाई देती है। तो इसका आंसर क्या लिखोगे भाई, जब हम आंखों से हम देखते हैं तो परख नली क्या है, अंदर है, लेकिन क्या है, प्रकाश, ये जो परख नली है वो चमकली पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए पहला शर्त क्या है, कि प्रकाश किरण सघन से विरल जानी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, जो प्रकाश किरण है वो पानी से परख नली में जाती है, परख नली में क्या भरा है, वायु, जिसकी वजह से क्या होती है, कुछ किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अब पानी भरा है, ठीक, अब क्या होगा, इससे क्या होगा, प्रकाश निकलेगा। ठीक,
क्या हुआ इससे, प्रकाश निकला, अब क्या सघन से विरल जाएगा, तो क्या होगा ये दूर हटेगा। तो यहाँ पे क्या अभिलंब हुआ, तो क्या होगा ये दूर हटेगा, दूर हटा ठीक, तो आंखों पे यहाँ पे दिख रहा है। अब ये जो स्ट्रेट लाइट है इसको हम जब आगे मिलाएंगे तो ये क्या है मछली हमें यहाँ दिखाई देती है, ठीक, यहाँ से सीधी गई ठीक है, लेकिन क्या हुआ अभिलंब से ये क्या है सीधा ऐसा जाना था, लेकिन क्या होगा भाई ये अभिलंब से दूर हटेगी, दूर हटी तो ये हो गई इधर। अब इसी लाइन को हमने एक्सटेंड किया तो पता चलता है ये तो यहाँ पे दिखाई दे रही है भाई, तो इसका कारण क्या हुआ अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण कैसे, क्योंकि जो किरण है वो क्या है सघन से विरल जाती है, सघन से विरल जाने की वजह से क्या होती है ये अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से दूर हटने के कारण क्या होती है जब हम इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं तो ये पता चलता है कि भाई ये तो ऐसे है लेकिन ये ऐसे दिखाई दे रही है। इसी कारण क्या है मछली क्या है जो एक्चुअल तल में रहती है उसे थोड़ी सी ऊपर दिखाई देती है, ठीक समझ आ गया। इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना होगा, इसको आपको बताना होगा सघन, पानी, विरल, वायु, मछली की वास्तविक गहराई, आभासी गहराई, इस टाइप से आपको पूरा नामांकन करना होगा तब कहीं जाके नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि डायग्राम बना दो बिना नाम के, आप खड़े हो आपको कैसे कोई बुलाएगा, श्याम इधर आ, राम इधर आ, तो आपके नाम के बिना कोई जानेगा क्या, तो इस डायग्राम को बिना नाम के कोई समझेगा क्या, नहीं, तो नाम देना बहुत जरूरी है, ठीक। चलो आगे आ जाओ बच्चों, गोई दर्पण किसे कहते हैं इसके प्रकार लिखिए, दूसरा दर्पण की फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए, तो ये हो सकता है 3 मार्क्स का आ जाए, ये 2 मार्क्स का, ठीक, 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। चलो देख लेते हैं, गोई दर्पण कैसे किसे किसे कहते हैं भाई, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोली है गोई दर्पण कहलाते हैं, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है, ठीक। गोई दर्पण क्या है जिसका परावर्तक गोला हो, समतल ऐसा होता है, ठीक है, हम लोग घर में जो दर्पण यूज करते हैं अब वो ऐसा हो गया, तो ये क्या है गोले का ही भाग है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग गोली दर्पण, ठीक। इसके प्रकार क्या होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल क्या है भाई, गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो, अर्थात गोले के अंदर की ओर, वो क्या है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, इस तरीके से डायग्राम बना के आना बच्चों, ठीक है, पूरी चीजें लिखना और डायग्राम बनाना तब जाके पूरे मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपने लिखा है फिर क्यों नंबर कटा, नंबर क्यों कटा, क्योंकि आपने पूरी चीजें एक्सप्लेन नहीं की, आपने उसको दिखाया नहीं कि भैया ऐसा कर्व है, कर्व का बाहर है परावर्तक और अंदर से परावर्तक हो रहा है तो वो अवतल है, बाहर से परावर्तक हो रहा है तो उत्तल है, ऐसा आपको वहां पर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या है भाई, ये हमारा केंद्र, ये हम गोला है गोले का, ये केंद्र होगा, ठीक, केंद्र के यहाँ पे क्या होता है हमारा फोकस, ठीक है। तो फोकस दूरी देख लो भाई, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से होकर जाती हैं, ठीक है, मुख्य अक्ष है, ठीक है, तो क्या है पैरेलल आती हैं, वो क्या है एक बिंदु से होकर जाती हैं, इसी बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग फोकस, ठीक। बिंदु से होकर जाती है अवतल दर्पण में अथवा आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में, यह बिंदु गोई दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है जिसे एफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और दर्पण के ध्रुव से फोकस बिंदु के मध्य की दूरी को ही हम क्या कहते हैं फोकस दूरी कहते हैं, ठीक, बस सिंपल बात है भाई, एफ पी बराबर फोकस दूरी, ये क्या हो गया अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में बता दो भाई, इतनी चीजें बता दो, ये हो गया 2 नंबर का, डायग्राम के बिना नहीं समझ आएगा, डायग्राम बनाना बहुत जरूरी होगा, ठीक समझ आया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है भाई, गोली दर्पण में निम्न को परिभाषित कीजिए, वक्रता, केंद्र, फोकस दूरी, द्वारक, ध्रुव, वक्रता दीजिए। देखो ये गोला है,
इसको काट के हम लोग क्या बनाते हैं, इधर इसको लेंगे, ये क्या बन जाएगा, अवतल। ये क्या था, इसका केंद्र है, तो ये क्या है, इसी का पार्ट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका केंद्र। ठीक, अब क्या है, यहाँ पर क्या है, इसका ध्रुव है, ये क्या हो गया, मुख अक्ष हो गया। पैरेलल आती है, फोकस जाती है, पैरेलल आती है जिस बिंदु से जाके, उसको क्या कहते हैं हम लोग, फोकस कहते हैं। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई, फोकस दूरी। ठीक, ये क्या है, त्रिज्या होती है, तो इस जगह से यहाँ तक की दूरी भी क्या है, त्रिज्या। तो इसी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। यही चीजें हैं। ठीक है, चलो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। गोली दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। ये गोली दर्पण है, तो इसका जो सेंटर पॉइंट होगा उसी को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है, इस गोले के केंद्र गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। सी से पी, तो सी से पी इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, वक्रता त्रिज्या। आगे पढ़ो, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हैं उसे ही क्या कहते हैं, हम फोकस कहते हैं। ठीक, और गोली दर्पण के वक्री पृष्ठ की एक सीमा रेखा है, यह सीमा एक समतल वृत्त होती है, इसी वृत्त के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। मतलब हमने ये जो जितना पार्ट लिया है, इस गोले के जितना पार्ट लिया है इसको, इसी को हम क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। ठीक, तो आपको डायग्राम बनाना होगा बच्चों अच्छे से। तो डायग्राम कैसे बनाओगे, P क्या है हमारा, ध्रुव, C क्या है, वक्रता केंद्र। ठीक, कैपिटल F क्या है हमारा, फोकस, मुख्य फोकस, F क्या हो जाएगा हमारा, फोकस दूरी। तो आपको इस तरीके से पूरी चीजें वहां पे लिख के बतानी होंगी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए गोली लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब के आरेख बताइए। मतलब क्या है, आपको उत्तल और अवतल दोनों के लिए क्या है, आपको प्रतिबिंब की रचना बतानी है। ठीक, तो उत्तल में कितने बनते हैं, 6, अवतल में कितने बनते हैं, 2। यहाँ पे लेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये चीज याद रखो कि इसके नियम क्या है भाई, पहला अवतल के याद है ना, 2 होते हैं, F1 इधर होता है, उधर F2 होता है ना। तो क्या है, पैरेलल आती है, यहाँ पे क्या होता है, इसका केंद्र होता है, ध्रुव होता है। पैरेलल आती तो क्या है, ये फोकस से जाती है, पैरेलल आती है तो फोकस से जाती है। दूसरा क्या बोलता है भाई नियम, फोकस से आती है तो क्या होती है, पहला निकल जाती है। तीसरा क्या बोलता है भाई, वहां क्या था, केंद्र से आती है, केंद्र से आती है, तो यहाँ पे भी क्या है, ये केंद्र है, केंद्र से आएगी और सीधा निकल जाती है। ये 3 थे, इसी के आधार पर क्या है, पूरे प्रतिबिंब की रचना होती है। चलो अब पहला देख लेते हैं, उत्तल दर्पण में पहला क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो, वस्तु अनंत पर है तो पहला लाएगी, आगे किसे, फोकस से निकल जाएंगी, पहला लाएगी फोकस से निकल जाएंगी, तो यहाँ पे क्या है, F2 पर बनेगी। ठीक, दूसरा क्या होता है भाई,
देखो बच्चों, मैं ऐसे अपना पॉइंट करते जाऊंगी, आप समझते जाना, ठीक। दूसरा क्या होता है, इन्फिनिटी और 2F1 के बीच पैरेलल लाएगी, फोकस से निकल जाएगी। दूसरा क्या है, फोकस से आती है, पैरेलल निकल जाती है। तो ये कहाँ बनता है भाई, F2 व 2F2 के बीच, और कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, ठीक है। और उधर बन रहा है, मतलब क्या बन रहा है, वो जिस ओर आ रही है उस आगे बन रहा है, इसलिए क्या है, ये आभासी बन रहा है, ठीक। चलो अगला क्या हुआ भाई, टू एफ वन, एफ वन, एफ टू, टू एफ टू, यहाँ पे पैरेलल आएगी, इधर से निकल देगी, इससे आएगी, इससे निकल, तो एग्जैक्ट कहाँ पे बनती है, 2F पे। अब दोनों के बीच आ गई, ऐसे जाएगी, केंद्र से सीधा निकल जाएगी, तो कहाँ बनती है, 2F के पार। अब F1 के बीच आ जाएगी, तो क्या है, इधर से पैरेलल ऐसे निकले, केंद्र से सीधा, तो ये कहाँ जाके बनती, अनंत में। एक लास्ट वाला बनता है F और P के बीच, F और केंद्र के बीच है, पैरेलल आएगी, केंद्र से निकलेगी, और ये ऐसे, तो ये ऐसे जाके उधर नहीं मिलती, क्या है, इनको हमको इधर मिलाना पड़ता है। तो ये क्या है, बड़ी बनती है और क्या है, पीछे बनती। तो ये है क्या है, उत्तल दर्पण में आपको 6 कंडीशन मैंने पहले बताए हैं, इन 6 कंडीशन को क्या है, आपको फिर से बनाना होगा, हो सकता है एक आध बार ऐसा पूछ दे, तो इनको क्या है, 6 को आपको ट्राई करना होगा, ठीक है। अवतल दर्पण में देखो, दो ही कंडीशन होंगे, F1 2F1, F2 2F2, पैरेलल आएगी, ठीक। अब इसका इसका वाला फोकस इधर है, तो ये क्या है, ऐसे ऐसे निकली, पहला लाई टकरा के इधर आई, ये इधर निकली, तो यहाँ पे क्या बनता है, F1 पर बिंदु आकार का, ठीक। एक कंडीशन और क्या थी भाई, कहीं पे भी बीच में हो, ठीक, यहाँ कहीं पे है, तो पहला लाएगी, क्या होगा, इधर फोकस है इसका, इसका फोकस पीछे है, है ना, ये वाले का, ये इसका फोकस इधर है ना, तो ये क्या है, ऐसे निकलेगी, ठीक। और क्या है, केंद्र से आती है, केंद्र से निकल जाती है, तो ये क्या है, यहाँ पे बनती है, ठीक, छोटे आकार का, लेकिन क्या है, सीधा बनता है, तो यही क्या है, अवतल लेंस में, ठीक है। तो ये आपको क्या है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ये पूरी चीज़ें आपको क्या है, बनानी होगी, और इसके आकार क्या है, किस साइज़ का है, ये सब चीज़ें, साइज़ का है, उल्टा है, सीधा है, भासी वास्तविक, ये पूरा, तो जाके बनाने से पहले क्या है, एक बार पूरा टेबल देख लेना बच्चों, ठीक है। तो ये 5 मार्क्स में आएगा, तो आपको इतनी चीज़ें वहाँ पर बतानी होंगी, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे पूरी चीज़ें बन जाएगी, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, ओम के नियम, ओम के नियम से सभी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ओम का नियम लिखिए, ओम का नियम, विद्युत परिपथ, अवलोकन सारणी, कोई दो प्रमुख सावधानियाँ, सब चीज़ें आपको आएगी, ठीक। तो चलो ओम का नियम देख लेते भाई, क्या कहा था ओम साहब ने, सन 1827 में जॉर्ज साइमन ओम ने प्रयोग द्वारा पता लगाया कि किसी चालकों के सिरे पर लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के मध्य एक निश्चित संबंध होता है, ठीक है। ओम का नियम किसके मध्य संबंध बताता है भाई, वी और आई, वी क्या है विभवांतर, आई क्या है धारा, जिसे उन्होंने एक नियम के रूप में प्रतिपादित किया। इस नियम के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्था, लंबाई, क्षेत्रफल, ये सब ना बदले तो उसमें प्रभावित होने वाली धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक। मतलब अगर उस पर आपने वी लगाया है विभव, तो वो क्या होगी, उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होगी। अगर आप इसको हटाते हैं तो आर बराबर होता है आई, जहां आर एक नियतांक है। जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, अतः R बराबर V अपॉन I, मतलब
प्रतिरोध बराबर विभव बटे धारा, और क्या होगा भाई, R बराबर क्या हुआ, V अपॉन I, मतलब वोल्ट अपॉन एम्पियर, तो इसी का मात्रक क्या होता है, ओम। ठीक, तो आपको इतनी चीजें बतानी होगी। अब उसके बाद आपको ग्राफ बनाना है इसमें, है ना, तो आप क्या करेंगे, स्केल का यूज करेंगे, यही क्या है आपके ओम के नियम को क्या है, ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो इतनी चीजें आपको बतानी होंगी, ये पूरी चीजें लिखनी होंगी, डायग्राम बताना होगा और कंक्लूजन देना होगा, यही क्या है ओम के नियम। ठीक, चलो आगे आ जाओ। अब क्या है श्रेणी क्रम, प्रतिरोधों को हमने क्या पढ़ा था, संयोजन करते हैं किसमें, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में, इसको पूरा मैंने समझाया था, इसी से क्या है 5 मार्क्स से क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, प्रश्न देखो, 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनके संयोजन का विद्युत परिपथ बनाकर परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, या श्रेणी क्रम में संयोजन क्या है, आपको R1 R2 R3 के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, उसका संयोजन फिर से बनाना। ठीक, तो पहले डायग्राम बना लो भाई। तो पहले आपको क्या बताओगे, प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध क्या है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि भाई जितना बोला उतना ही बताए, नहीं, आपको कुछ चीजें अच्छे से बतानी होंगी। ठीक, तो भैया पहले बता दो प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जो धारा प्रवाह के मार्ग में रुकावट डालता है, अथवा किसी बंद परिपथ में संयोजित चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसके सिरों के मध्य विभवांतर और प्रभावित धारा के सामर्थ्य में एक निश्चित अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, इसी को ऐसा ही मात्रक क्या है, ओम होता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध का दूसरा सिरा पहले सिरे से ऐसा जुड़ा होता है। ठीक है, प्रतिरोध का दूसरा सिरा पहले सिरे के जोड़ देते हैं, प्रतिरोध का दूसरा प्रतिरोध दो का दूसरा सिरा प्रतिरोध तीन के पहले सिरे से जोड़ देते हैं, इसी प्रकार क्या है, श्रेणी क्रम बनता है। देखो डायग्राम देखो, R1 का दूसरा सिरा R2 के पहले सिरे से, R3 का पहला सिरा R2 के दूसरे सिरे से। ठीक, ठीक, पूरा ऐसा आपको डायग्राम बनाना होगा, डायग्राम अच्छे से स्केल वगैरह लेके बनाना बच्चों। ठीक है, अब क्या होगा, हर प्रतिरोध के लिए क्या होगा, विभव अलग अलग होगा, लेकिन क्या है, धारा इसमें एक ही बहेगी, क्योंकि यहां से क्या है, एक ही तार निकला है, तो एक ही तार में धारा एक ही रही, तो क्या है भैया, चालक में प्रत्येक प्रतिरोध के लिए क्या है, विभवांतर अलग अलग होगा। ठीक है, तो R1 के लिए V1, R2 के लिए V2, R3 के लिए V3। ठीक है, प्रतिरोध में धारा क्या होगी, सॉरी परिपथ में धारा क्या होगी भाई, I प्रभावित हो तो क्या हो जाएगा भाई, I = V × R होता है। ठीक, यही होता है ना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई,
आई धार प्रवाहित होता है तो उस परिपथ का संयोज पूरा वो क्या होगा विभव आई इंटू आर। आर क्या है, आर हमारा टोटल हो गया ठीक। तो ये देखो पूरा विभव क्या हो जाएगा वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री ठीक। अब वी की जगह आई आर रख दो ठीक। तो प्रत्येक वी वन वी क्या होगा भाई, वी वन क्या होगा आई इंटू आर वन, वी टू क्या होगा आई इंटू आर टू, वी थ्री क्या होगा आई इंटू आर थ्री। आप सभी का मान रख दो आई आर वन आई आर टू आई आर थ्री आई आर। आप क्या करो आई यहां से कॉमन निकालो तो आर वन आर टू आर थ्री आई आई कैंसल, तो आर टोटल क्या हो गया आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। यही क्या होता है संयोजी प्रतिरोधक। क्या होता है श्रेणी क्रम में क्या होता है जो संयोजी प्रतिरोध आता है वो क्या होता है सभी प्रतिरोधों का योग होता है ठीक। इस तरीके से आपको पूरा सॉल्व करना होगा। प्रतिरोध बताओ श्रेणी क्रम में क्या होता है ये बताओ, डायग्राम बनाओ, उसके बाद पूरा चीजें सॉल्व करके बताओ ठीक, तभी जाके पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे। इसी प्रकार क्या है आपको समानांतर क्रम आएगा, समानांतर क्रम का चलो देख लेते हैं। समानांतर क्रम आया ठीक है तो आपको फिर क्या बताना, प्रतिरोध बताना है। अब क्या होता है समानांतर क्रम में सभी का प्रारंभिक सिरा और अंतिम सिरा एक साथ जुड़े होते हैं। देखो जब किसी विद्युत परिपथ में सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक बिंदु से और दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाता है उसे ही क्या कहते हैं समांतर कहते हैं ठीक है। समांतर रेखा ऐसी होती ना तो वही करते हैं, क्या करते हैं एक साथ और एक साथ जोड़ देते हैं, यही क्या बनता है समांतर। चलो देखो भाई ठीक, तो ये आर वन आर टू आर थ्री ठीक। तो यहां पे क्या होगा कि धारा बहेगी आई, लेकिन क्या होगा ये तीन आई वन आई टू और ये आई थ्री धारा क्या है अलग अलग प्रतिरोधों के लिए अलग अलग होगी, लेकिन इनके मध्य विभवांतर क्या होगा विभव क्या होगा समान होगा ठीक। तो यहाँ पे आपको बता देना है प्रत्येक प्रतिरोध के लिए क्या है आई वन आई टू आई टर होगा ठीक। तो यहाँ पे फिर से देखो आई इज इक्वल टू क्या होता है वी अपॉन आर ठीक है। तो आई वन क्या हो जाएगा बच्चों वी अपॉन आर वन, आई टू क्या हो जाएगा वी अपॉन आर टू, आई थ्री क्या हो जाएगा V अपॉन आर थ्री। अब क्या है एक धारा है वो क्या है तीन अलग अलग हिस्सों में बढ़ गई, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई वन आई टू और आई थ्री ठीक। तो टोटल I क्या होता है V अपॉन आर, V अपॉन आर ये क्या होगा V अपॉन आर वन, V अपॉन आर टू, V अपॉन आर थ्री। V कॉमन निकालो वन अपॉन आर, वन अपॉन आर वन, वन अपॉन आर टू, वन अपॉन आर थ्री काटो तो क्या होगा ये क्या हो गए व्युत्क्रमों का योग हो गया ठीक है। श्रेणी क्रम में क्या था डायरेक्ट प्लस करते हैं, इसमें क्या है व्युत्क्रमों का योग करते हैं तब हमको क्या मिलता है आर टोटल। तो इस तरीके से पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, लिखने का पूरा यहाँ नहीं बताई हूँ क्योंकि आप लोगों को पहले से पूरा पढ़ चुके हैं, बस क्या है रिकॉल करना है तो चीजें एक साथ हो जाएंगे ठीक। चलो अगले चैप्टर पर आ जाते हैं भाई। विद्युत उपकरणों के लिए सुरक्षित कोई तीन सावधानियां लिखिए, प्रत्यावर्ती धारा दुष्ट धारा में कोई दो अंतर, ये ऐसा आ सकता है 3 मार्क्स का, तीन बोला है 3 मार्क्स का 2 अंतर ठीक। तो सावधानियां क्या क्या हो सकती है भाई, विद्युत प्रयोग में रखी जाने सावधानियां, स्विच तथा प्लग को कसा हुआ जोड़ना चाहिए, उचित विद्युत धारा परत के तार प्रत्येक लगना चाहिए, खराब क्षतिग्रस्त तुरंत बदल देना चाहिए, आग लगने या दुर्घटना होने पर परिपथ का स्विच तुरंत बंद कर देना चाहिए। इस टाइप से क्या है 3-4 लिख दो। प्रत्यावर्ती धारा दुष्ट धारा में 2 अंतर पूछा है, आप 2 से 3 लिख दो भाई। ऐसी धारा जिसका परिणाम दिशा समय के साथ बदले, ऐसी धारा जिसका परिणाम व दिशा समय के साथ ना बदले, जनित्र से इसे प्राप्त करने हेतु जनित्र में सर्पी वलय लगाया जाता है, जनित्र से इसे प्राप्त करने हेतु विभक्त वलय दिक परिवर्तक लगाया जाता है, घरों में प्रयुक्त धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है, सेल में प्राप्त हुई धारा दृष्ट धारा होती है। इस तरीके से आपको लिखना है ठीक। अगला प्रश्न देखो, चुंबक के कोई 3 गुण विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र मतलब डायनेमो में अंतर ठीक है। 3 गुण बोला तो ये क्वेश्चन कितना हो जाएगा 3 मार्क्स का, ये क्या हो जाएगा 2 मार्क्स का ठीक।
तीन गुण क्या है भाई? चुंबक, लोहे और निकिल जैसे कुछ अन्य पदार्थों को आकर्षित करता है। घुमाने के स्वतंत्र छोड़ने पर यह क्या है? नॉर्थ साउथ के ओर ही घूमता है। प्रत्येक चुंबक को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाए तो हर एक चुंबक क्या है? स्वतंत्र एक चुंबक बन जाता है। ये तीन आप लिख लिए। अब उसमें क्या है आपको अंतर बताना है। अंतर क्या है भाई? डायनेमो जनित्र क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। वहीं मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जनित्र में सर्पी वलय का उपयोग किया जाता है। यहाँ दिक परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह धारा के चुंबकीय क्षेत्र पर रखने पर बल लगता है, इस प्रकार करता है। इस तरीके से चीजें लिखनी है। ठीक, आगे आ जाओ। दंड चुंबक के उत्तरी और ध्रुव भौगोलिक उत्तर को बताइए। ये क्या, हमने डायग्राम पूरा बनाया था। तो ये देखो, ये आगे जो तीन क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का चुंबक के वाला बताना, विद्युत मोटर और डायनेमो, ये पूरा एक वीडियो में मैंने बताया था। तो जाके इस वीडियो को देख लेना। इससे क्या है, ये 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है, जहाँ से एक क्वेश्चन आना ही है। इस क्वेश्चन को देख लो, ये इस वीडियो को देख के क्या होगा, आप वो एक वीडियो देख लेना। उसमें क्या, तीनों मैंने क्वेश्चन को अच्छे से कराया, जिससे क्या 5 मार्क्स से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन वहीं से आएंगे। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे बस प्रश्न बता दे रही हूँ कि 5 मार्क्स से क्वेश्चन में इन प्रश्नों आएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन क्या है, उत्तरी ध्रुव भौगोलिक ध्रुव वाला, ये डायग्राम बनाने वाला जो आपने प्रयोग किया था उसको बताना है। ठीक, विद्युत मोटर का सिद्धांत, नामांकित आरेख, कार्यविधि और एक प्रमुख प्रयोग बताना है। और उसी प्रकार क्या है, आपको डायनेमो को बताना है। ठीक है, तो इन तीनों क्वेश्चंस को क्या है, मैंने एक अलग वीडियो में बताया, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, इसको पूरे अच्छे से समझ जाओगे, डायग्राम वगैरह सब बताया। ठीक है, तो बिल्कुल ये हो गया क्या, आपके पूरे 5 मार्क्स के क्वेश्चन अब क्या है, हमारे तैयार हो गए। ठीक, डरने की बात नहीं है, लग रहा था बहुत बड़ा है। अब क्या, आप लोगों को बस एक डर है, आंकिक प्रश्न है ना, न्यूमेरिकल कहीं कहीं से आ जाते, वो एक वीडियो में करेंगे। फिर आपका पूरा कंप्लीट फिजिक्स, उसके बाद पूरा साइंस भी कंप्लीट। बिल्कुल घबराना नहीं है, ऐसे करते जाओगे सब कुछ एक बार में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। और नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में जाके इसका जो वीडियो है, डायनेमो विद्युत मोटर और ये उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव वाला, वो देख लेना। इसमें तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो बेस्ट ऑफ लक, हम अगले वीडियो में मिलते हैं।